दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शुभम को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ऐप लॉक के बारे में जो कि काफी अच्छा है। अगर आपको भी ये ऐप लॉक इंस्टॉल करना है तो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसकी सेटिंग करते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है ऑप्स ऐप लॉक, तो आपको ये सर्च करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो मैं इसको ओपन करूँगा। तो फ्रेंड्स ओपन होने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, तो आपको इंस्टॉल करना है इसको और यहाँ पे सेटअप पासवर्ड पे क्लिक करना है। ये पासवर्ड ऐसा है कि आपको अपने वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन से आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। तो आप उसको दो बार में क्लिक कर सकते हैं या फिर तीन बार में या चार बार में या पांच बार में, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी दो बार में सेट कर लेता हूँ। दो बार में क्लिक करके फिर आपको या तो वॉल्यूम अप की दो बार दबानी है, वॉल्यूम डाउन की दो बार, आपको अपनी मर्जी चुन सकते हैं। तो मैं अभी अपनी मर्जी चुन लेता हूँ वॉल्यूम अप, फिर वापस वॉल्यूम अप। फिर आपसे पासवर्ड पूछेगा कंफर्म करने के लिए, तो मैं वापस वॉल्यूम अप दो बार दबा देता हूँ। फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कोई सा भी आंसर क्वेश्चन चुन सकते हैं और फिर सेटअप पे क्लिक। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपने जो पासवर्ड लगाया है उसको अपने मोबाइल में लगाना। जैसे मैंने वॉल्यूम अप को दो बार लगाया था तो मैं उसको दो बार दबाऊंगा। तो ये आपका चालू हो गया ऐप लॉक, तो ये काफ़ी बहुत अच्छा ऐप है, तो आप इससे किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए बस आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये ऑन हो चुका है, आप जिस ऐप को लॉक करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए बस। जैसे मैं अभी अपने फाइल मैनेजर को लॉक करना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करता हूँ, ये लॉक हो चुका है। आप उसको ब्लैक भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी कस्टम पे सिलेक्ट करके अपना कोई सा फोटो चुन लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने गैलरी से अपना एक फ़ोटो चुन लिया है। अब आपको और कुछ नहीं करना, बस आपने इसको लॉक कर दिया है। तो मैं आपको फाइल मैनेजर चेक करके दिखा देता हूँ कि वो ऐप लॉक हो चुका है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा फाइल मैनेजर लॉक हो चुका है। बस सिंपली आपको कोई आपके इसको ओपन नहीं कर सकता फाइल मैनेजर को जब तक आप नहीं जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या लॉक लगा रखा है। बस आपको आपका पासवर्ड जो वॉल्यूम अप या डाउन का आपने जो लगा है उससे खुल सकता है। तो जैसे मैंने वॉल्यूम अप का दो बार दबाया था तो उससे खुल जाएगा, तो मैं अभी दबा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा फाइल मैनेजर खुल गया। इसी प्रकार अपने एंड्रॉइड की किसी भी ऐप को ऐप लॉक के द्वारा लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। Thanks for watching.